देश भर में कोरोना वायरस का कहर है तो वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मध्य प्रदेश के धार में मामूली बात में भतीजे ने अपने ही ताऊ की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि धार जिले की धर्मपुरी थाना अंतर्गत नीम का पेड़ काटने को लेकर हुई मामूली कहासुनी में भतीजे ने गुस्सा होकर अपने बड़े पापा की हत्या कर दी। दरअसल घटना मध्य प्रदेश के बैडीपुरा की है, जहां खेत के मेड़ पर लगे नीम का पेड़ काटने की बात पर मृतक नरसिंह भिलाला और आरोपी राजकुमार के बीच विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक नरसिंह ने आरोपी राजकुमार को नीम का पेड़ काटने की बात पर डांट दिया था, जिससे आरोपी गुस्सा हो गया और उसने मृतक नरसिंह के ऊपर बैलगाड़ी में लगने वाली लकड़ी से हमला बोल दिया, जिससे नरसिंह बुरी तरह से घायल हो गया और उसे घायल अवस्था में धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से धार रेफर के दौरान मृतक नरसिंह की रास्ते में ही मौत हो गई। यहां आपको बता दें कि मृतक नरसिंह आरोपी राजकुमार का बड़े पापा थे। हमले के बाद मौका देख आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। क्षेत्र में हत्या की खबर फैलते ही सभी जगह पर सनसनी फैल गई है। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही धर्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मृतक नरसिंह की पत्नी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। जी, कल रात में 9 बजे की घटना है। ग्राम महापुरा बेड़ीपुरा के नरसिंह और उसके भतीजे राजकुमार के बीच में खेत की मेड़ पर लगे नीम के पेड़ को काटने की बात को लेकर विवाद हुआ था और भतीजे ने उसके अंकल नरसिंह की मारपीट कर दी थी। पीठ में काफ़ी प्राणघातक चोटें थी, लकड़ी के डंडे से उसने मारपीट की थी। कल उसकी पत्नी की रिपोर्ट पर थाना धर्मपुरी में 307 का मामला कायम किया गया। मजरूह को इलाज के दौरान धर्मपुरी में भर्ती किया गया, डॉक्टर साहब द्वारा धार रेफर किया गया और धार रेफर के दौरान रास्ते में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। आरोपी को राउंड ऑफ कर लिया गया है और इसमें जांच के दौरान अभी सुबह PM हुआ है, 302 धारा बढ़ाई गई है और आरोपी से पूछताछ पर भी यही पता चला है खेत की मेड़ पर लगे नीम के पेड़ को लेकर विवाद हुआ था, उसमें उसने मारपीट कर दी थी विवाद के चलते। सर, आरोपी को कैसे गिरफ्तार किया गया, कहाँ से मिला, कितने समय लगा सर उसको गिरफ्तारी में? ये हमको सूचना मिली, उसके बाद कायमी के उपरांत तत्काल वार टीम रवाना करी। आरोपी को उसके गांव से ही राउंड अप किया गया, लाठी पूछताछ की गई, अभी भी उससे पूछताछ की सुबह भी, तो पूछताछ के दौरान यही बताया उसने कि जो विवाद हुआ था उसी कारण गुस्से में आकर उसने डंडे से मारपीट की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.